अभी बज चुके सुबह के 4 और 4 बजे उठे हैं, नहा धो के फ्रेश होके पूरा हम निकलते हैं फिर घर से। और बहुत बिल्कुल कोई रात को रात भर सब जगे रहे। सुबह सुबह वॉकिंग के लिए निकले हम सच दस के हैं। हाँ सच दस के वॉकिंग के लिए निकले मॉर्निंग वॉक के लिए। 15-20 मिनट से ज़्यादा हो चुके बस का इंतज़ार करते करते, और अभी देखो और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी कोई ढाबा है तो वहाँ पेट पूजा करने के लिए रुके हुए हैं हम लोग। का शूट बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा मैं रस्ते में, क्योंकि उस हालत में ही नहीं हूँ मैं शूट कर पाऊँ। इधर से आ जाओ, तो अभी हम शनि मंदिर आए हुए थे। वृंदावन से पहले पड़ता शनि मंदिर, तो उसी शनि मंदिर में हमने दर्शन किए हैं पूरी फैमिली ने। तो अभी निकल रहे हैं, अब बस में वापस जा रहे हैं। राधा रानी परसाने में अभी मार्केट है, मार्केट में घूम रहे हैं अभी हम। अभी पहली मंदिर की सीढ़ी पे पहुंचने वाले हैं, तो 150-200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी हमें। सीधा ऊपर पहुंचने के बाद ही दोबारा शूट करूंगा, पहले ऊपर पहुंच जाऊं। ओ भाई साहब क्या मस्त हवा है। ओ हो 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 आनंद लो आगे हवा। ओ भाई क्या प्रेम से आओ, सीढ़ियां पता ही नहीं चल रही कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है ये रही। भाई साहब पूरी हवेली है ये। हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा। सत्तर
लाडली अच्छा आएगा फोटो ये भवन है अब दर्शन होने वाले थोड़ी देर में नीचे कितना क्या बात है क्या नजारा है क्या ही नजारा ये राजा रानी के महल पे खड़े हो ओ भाई महल वहाँ पे देख सामने कितनी बड़ी कितना बड़ा महल है काश कैमरा अलाउड होता ना तो कैमरा उठा लाता भाई वो तो बहुत दूर तक जाता महल किसका हाथ लंबा है जल्दी ले जल्दी अरे इधर आओ ना देखो मिट्टी का है मिट्टी का बहुत बढ़िया हवा चल रही है बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है बहुत बढ़िया मेरे को तो लग रहा है ये ब्लॉग में बहुत सारे व्यूज आएंगे और आने चाहिए व्यूज ऐसे कैसे नहीं आएंगे बिल्कुल आएंगे यार राधा रानी के मंदिर में आया हूं एक रूम हमने बुक कराया हुआ था तो उस रूम में आ चुके हैं तो खाना वाना भी खा चुके खाने की वीडियो बना नहीं पाया मैं भीड़ ज़्यादा थी इस चक्कर में बना नहीं पाया बाकी अब देखते हैं जो भी प्रोग्राम होगा अपना सेट जो भी होता है प्रोग्राम कहीं और घूमने जाने का किसी और मंदिर के दर्शन करने के तो वो मैं शूट करके आपको पता चल ही जाएगा वैसे तो अभी बारिश आ रही है तो बारिश के चक्कर में मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा क्योंकि फ़ोन तो वाटरप्रूफ है नहीं कि बच जाएगा तो इस चक्कर में अभी मैं कमरे में बैठा हुआ अपने तो इसके आगे का जो भी होता है मैं दिखा निधि वन जा रहे हैं वो मेरा मंदिर है और मैं यहाँ से हम टी शर्ट खरीद रहे थे 100-100 रुपए की टी शर्ट मिली मैं आगे भी उधर जाऊंगी तो मेरे नाप की टी शर्ट मिली नहीं भैया ने मना ही कर दिया कि भैया आपके साइज का मिलेगा ही नहीं क्योंकि आप 4XL हो तो मेरा बहुत ज्यादा साइज बढ़ चुका है इसलिए मेरे नाप की टी शर्ट नहीं मिली और रूम जो हमने लिया हुआ था उसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा शायद बहुत बढ़िया नींद आई दिस इज निधिवन हम निधिवन में एंट्री मार चुके हैं साथ में बन गए अब तो बहुत जाम है भैया यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं शूट करूँगा वरना हो नहीं पाएगा और साथ में बारिश भी आ चुकी है साथ में तो व्लॉग वैसे ही नहीं बन पाएगा ये डस्ट भी जाएगा ये चमक भी जाएगा
कुछ मिल जाएगा। बारिश के चक्कर में व्लॉग नहीं बन पा रहा और मैं सोच रहा था कि चलो मौसम साफ रहेगा तो थोड़ा बहुत शूट कर पाऊंगा, लेकिन फ़ोन वाटरप्रूफ तो है नहीं, ये बात शायद मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो देखते हैं, अब सीधा दिल्ली पहुँच के शूट एंड करूँगा।